अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम गौहर आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया ऑन पर्पस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या इवन बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस पिक्चर में जो मॉडल ड्रेस कैरी कर रही है, हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। किसी भी कलर में हम इसको चेंज कर सकते हैं या इवन हम इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें ह्यू सैचुरेशन मास्क बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम ह्यू सैचुरेशन मास्क क्रिएट करेंगे। ठीक है, ह्यू सैचुरेशन मास्क क्या होता है, ह्यू क्या होता है, कलर को बोला जाता है, सैचुरेशन उसकी ब्राइटनेस और कलर की कितनी मतलब शार्पनेस कलर की कितनी होगी। ठीक है, लाइटनेस डल और ब्राइट कितना होगा। लाइटनेस इस चीज को कहते हैं कि डल और ब्राइट कितना होगा वो। सैचुरेशन उसकी शार्पनेस को बोला जाता है। ठीक है, और ह्यू बेसिकली उसका कलर होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम इस पिक्चर में जो रेड कलर है उसे चेंज करें तो सिंपल क्या है, ह्यू को चेंज करता जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, पूरी इमेज में से वो कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने टारगेट सेट करना है कि कौन सा कलर हम चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले हम टारगेट को सिलेक्ट करेंगे और टारगेट को सिलेक्ट करके अगर हम सपोज हम ये रेड कलर चेंज करना चाहते हैं तो अगर हम इसको टारगेट को सिलेक्ट करके रेड कलर पे क्लिक करेंगे और राइट टू लेफ्ट ड्रैग करेंगे तो आप देखोगे कि सैचुरेशन चेंज हो रही है। ठीक है, सैचुरेशन चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सैचुरेशन चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसमें कलर को चेंज करें, तो हम सिंपल क्या करेंगे, वही टारगेट सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके अगर मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि कलर ह्यू को चेंज, ह्यू की वैल्यू चेंज हो रही होगी। ठीक है, जो भी आप कलर करना चाहो वो आप कलर कर सकते हो। ठीक है, आप उस जितना भी कलर करना चाहो वो चेंज करते जाओगे, खुद ब खुद वो रेड कलर की जगह वो कलर प्लेस करता जाएगा। लेकिन यहां एक मसला ये क्रिएट होता है कि रेड कलर हमारी बॉडी की कलर टोन में भी मौजूद होता है। सो लिहाजा जहां जहां रेड के एलिमेंट्स होंगे वो उसको उसी हिसाब से चेंज करता जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी ड्रेस की सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि हमें जस्ट पर्टिकुलर ड्रेस एरिया को ही चेंज करना है रादर देन दैट कि हमें कोई और एरिया चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उस सिलेक्शन टूल से हम उसकी ड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स सिलेक्शन रिवर्स करके जितने एरिया पे हमें वो इफेक्ट नहीं चाहिए हम जस्ट उसे मास्क आउट कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल हमारा वो सिलेक्शन एरिया नहीं वो डिस्टर्ब होगा, बाकी सारी एरिया पे हम मास्क को मास्क आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया ड्रेस का एरिया बच जाएगा। अब हम जो भी कलर इसमें चेंज करना चाहें तो वो उसके ड्रेस के एरिया को चेंज करता जाएगा। अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा पॉप अप ज्यादा करना है, जरा और ब्राइटनेस दिखाना है तो थोड़ा सा उसको डल करके और इसकी सैचुरेशन को अगर बढ़ाएं तो ये ज्यादा आपको पॉप अप इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आप इसके कलर को और बेहतर कर सकते हो, कोई भी कलर देना चाहो, ग्रीन करना चाहो वो भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह हम किसी भी पिक्चर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर उसको दे सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजम कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।